आसन शुद्धि में जो है, सबसे पहले ऐसे आपको आसन लेना होगा जिस आसन में आपको बैठना है, मतलब इस आसन में बैठकर ही आप पूजन करेंगे। तो आसन में आप बैठ जाइए, उसके बाद जो है आपको, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस आसन में बैठकर आप जो है पूजन करेंगे, वो आसन कभी भी जो है दूसरे को यूज करने मत दीजिएगा। जिस भी आसन में आप बैठकर पूजा कर रहे हैं, वो आसन केवल आप अपने लिए ही जो है केवल मात्र रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप आसन जो है वो अपने लिए, आसन के ऊपर आपको बैठना है, आप आसन के ऊपर बैठ जाइए। उसके बाद जो है एक गंध पुष्प लेकर जो है आपको आसन के ऐसे नीचे ऐसे देना है, गंध पुष्प लेकर जो है ऐसे देते हुए कहना है, ओम आधार शक्तये कमलासनाय नमः। ये बोलते हुए जो पुष्प आपने दे दिए, अब जो है आप बैठे हुए हैं उसमें से ही आप जो है दाहिने हाथ से आसन को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए मंत्र कहिए, ओम अस्य आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलं छंद कुर्म देवता आसन प्रवेशने विनियोग ओम पृथ्वीतया धृतलोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। इस प्रकार से जो है बोलते हुए आपको आसन शुद्धि जो है वो आपको करना है, यही आसन शुद्धि की विधि है। आधार शक्ते कमलासनाय नमः, ये आपको बोलना है। गंध पुष्प जो है वो देते हुए, इसमें कई जगह पर कई अलग अलग विधान वैसे देखने को आपको मिल सकता है, जैसे कि कई लोग जो एक मंडल बनाते हैं आसन के नीचे जो है बैठकर, और फिर जो है उसमें गंध पुष्प रखते हैं। तो आप गंध पुष्प लेकर ही केवल मात्र जो है ओम आधार शक्ते कमलासनाय नमः ये बोलते हुए आप गंध पुष्प दीजिएगा, और उसके बाद जो है अस्य आसन मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सूतलं छंद्य कुर्म देवता आसन पवेशने विनियोग ओम पृथ्वीतया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। इस प्रकार से जो है आसन शुद्धि जो है वो आपको करना है, इस आसन में बैठकर ही आपको पूजा करना है, और इस आसन में इस आसन को किसी और को इस्तेमाल कभी मत करने दीजिएगा। जिस भी आसन में आप नित्य प्रतिदिन बैठकर पूजन आदि करते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं, मतलब पूजा के आरती के लिए हो या फिर पूजा के लिए, आप एक ही आसन रखिएगा। बहुत सारे आसन नहीं रखे जाते हैं, आप जिसमें पूजा करते हैं वो एक ही आसन रखिएगा, और उसमें बैठकर ही जो है आप नित्य प्रतिदिन पूजा करिएगा, और उसी आसन में ऐसे इस प्रकार से आसन शुद्धि आदि जो है वो आपको करना है दोस्तों। तो सबसे पहले गंध पुष्प से आधार शक्तय नमः, उस प्रकार से आधार शक्तय कमलासनाय नमः, और उसके बाद आसन को इस तरह से जो है स्पर्श करते हुए फिर जो है वो आसन शुद्धि के मंत्र जो है वो आपको बोलना है दोस्तों। इस प्रकार से हो जाता है आसन शुद्धि विधि जो है। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको आसन शुद्धि विधि जो है वो समझ में आ गया है।